بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خرم شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں۔ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج ہم ایکسل فارمولاز کے اندر کاؤنٹ اور سم فنکشنز پڑھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائیکروسافٹ ایکسل۔ سب سے پہلے ہم جو فارمولا پڑھنے والے ہیں وہ ہے کاؤنٹ۔ کاؤنٹ کیا کرے گا کہ کاؤنٹ جتنے بھی ہمارے نمبر آف سیلس لکھے میں ہوں گے، ان تمام نمبرز کو کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنی سیلس کے اندر نمبر لکھے میں ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، آپ نے یہاں پہ کچھ نمبر لکھے، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ ہمارا ریزلٹ آئے گا۔ اب ریزلٹ میں ہم یہاں فارمولا دیں گے ایکول ٹو کاؤنٹ بریکٹ اوپن، نمبر آف رینج کو سلیکٹ کر لیں گے، اینڈ بریکٹ کلوز، انٹر کرا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹوٹل کتنے نمبرس لکھے ہوئے، سیون نمبرس لکھے ہوئے، 1 2 3 4 5 6 7۔ تو یہ آپ کو اس نے سیون نمبر جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے دے دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کاؤنٹ کا فنکشن۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کاؤنٹ ایف، اسی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول وی۔ اب سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس کاؤنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم فارمولا دیں گے ایکول ٹو کاؤنٹ ایف بریکٹ اوپن، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد کاما، اور انورٹس کاما میں ہمیں جس چیز کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، جیسے یہاں پر جو کاؤنٹ کا فارمولا آپ نے اپلائی کیا تھا، اس میں ہم کوئی خاص ٹیکس کو یا نمبرس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں، بس نے آپ کو آپ نے کاؤنٹ کا فارمولا اپلائی کیا، اس نے آپ کو ٹوٹل کاؤنٹ کر کے نمبر بتا دیے۔ لیکن کاؤنٹ ایف میں ہم اپنا کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں۔ کاؤنٹ ایف میں سب سے پہلے رینج آ گئی، اور اس کے بعد ہم کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب اس میں کرائٹیریا کیا ہے کہ میں یہاں پر گریٹر دین 40، یعنی کہ 40 سے جو بڑے نمبر ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتا دے کہ یہاں پر کتنے لکھے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں تین نمبر لکھے ہوئے 40 سے گریٹر دین نمبر 1 2 3۔ فارمولے بھی نیچے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ فارمولے بھی آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آتے رہیں۔
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास काउंट इफ। इसके बाद है तीसरा फंक्शन काउंट इफ्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डेटा बना लेते हैं, अब इसमें हम ये डेटा बना रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नेम लिखा हुआ है, बी सी, बी, ठीक है। ये हमने कुछ रेंज दे दी अपने टेबल में। अब हम यहाँ पे फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला क्या दे रहे हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया नेम वाले कॉलम को, क्राइटेरिया को, ठीक है। इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर हमने यानी कि क्राइटेरिया रेंज आ गई, और अब हम क्राइटेरिया 1 दे रहे हैं ए, इनवर्टिस कॉमा क्लोज कॉमा, और उसके बाद फिर हमने नंबर्स को सिलेक्ट किया, नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, और इनवर्टिस कॉमा में हम दे रहे हैं कि अगर 45 से ऊपर ए के नंबर हैं तो वो हमें काउंट करके बता दे कितनी जगह पर लिखे हुए हैं। तो एक जगह पे है 45 से ऊपर नंबर, ये आपको इसने डिफाइन कर दिया, ग्रेटर देन 45 ए। अगर मैं यहाँ पे भी ए कर दूँ तो देखें 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास काउंट इफ्स। इसके बाद सम का फार्मूला, इसका भी फार्मूला कॉपी कर देता हूँ नीचे, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास सम, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने लिखा सम। सम का फार्मूला याद होना हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह पे हम सम का फार्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला देंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इस पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, तो ये इसका टोटल सम आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब ये फार्मूला है सम इफ। सम इफ में क्या है कि हम इसको क्राइटेरिया बताएंगे अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, इस रेंज को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद है कॉमा, इनवर्टिस कॉमा में हमने लिख दिया कि अगर ग्रेटर देन है 50 से तो उसका ये टोटल सम दिखा दे। तो ये देख लें, 50 से ऊपर दो ही नंबर हैं, 60 और 70, इसको प्लस कर लें तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।
ठीक है। इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और तो ये सम इफ की एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर सम इफ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें सम इफ की एक एग्जांपल दोबारा मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ सम इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बल्कि एक कॉलम इसमें और बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है इन तमाम नेम्स को, कॉमा, फिर हमने क्राइटेरिया देना है यहाँ पर, ठीक है। क्राइटेरिया क्या दे रहा हूँ मैं कि जहाँ जहाँ ए है उसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद हमने सम ऑफ रेंज लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर किया, तो ये देखें जहाँ जहाँ ए था उसका इसने टोटल बता दिया, 50 और 40 कितने हो गए, जैसे ए यहाँ पे आ रही हैं दो एंट्रियाँ ए की और यहाँ पर आ रही हैं, तो 10 और 40 50 और 50 100। तो अब देखें दोनों फार्मूले हमने सम इफ के ही अप्लाई किए हैं, फ़र्क क्या है दोनों में कि यहाँ पर हमने सिंगल यानी कि है तो दोनों सिंगल क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी थी ग्रेटर देन की, यहाँ पर आप लेस देन भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप इक्वल टू भी दे सकते हैं, फ़िलहाल अभी मैंने ग्रेटर देन की यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करवाई थी। यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमने नाम को सर्च किया है कि भाई ये नाम यहाँ पे देखे और उनका टोटल यहाँ पर लिया है, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सम इफ्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें हम सम इफ्स पढ़ने जा रहे हैं, और एक कॉलम इसमें इंसर्ट करवाएंगे हम, और ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा ए, ए भी लिखा, बी सी लिखा, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, फिर ए बी ए। अब देखें सम इफ और सम इफ में क्या फ़र्क है कि सम इफ की जो कंडीशन है वो सिंगल क्राइटेरिया के लिए होता है, जबकि सम इफ जो है हम दो क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले में देखें हमने क्या करना है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया सबसे पहले सम ऑफ रेंज, इसको सेलेक्ट किया हमने, जबकि सम इफ में जो सम ऑफ रेंज होता है वो हम लास्ट में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सम इफ में सबसे पहले कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ रेंज नंबर 1 ये आ गया हमारे पास, कॉमा, इसमें से
सर्च करें कहाँ ए लिखा हुआ है कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया टू हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे ये सर्च करें कि बी कहाँ लिखा हुआ है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ ए बी लिखा हुआ है उसका टोटल सम हमें शो करा दे। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास। ये सिंगल क्राइटेरिया पे हमने लिया और ये हमने डबल क्राइटेरिया पे लिया। तो ये हो गया हमारे पास सम इफ्स का फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंट और सम का फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो काउंट इफ था ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए था और काउंट इफ जो है वो एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के लिए होता है, यानी कि दो क्राइटेरिया। इसी तरीके से सम इफ जो है वो सिंगल क्राइटेरिया के लिए और सम इफ जो है वो दो क्राइटेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।